होती नहीं है कुछ नहीं बस चुप रहो तो इस स्पीच अगर कोई तुमने सुन ली होगी पहले की सुन लियोगी ठीक है वी आर इलीट स्टूडेंट्स इज दिस क्लास मेंट फॉर अस गलती से तुम्हारा बैच इसमें ऐड हो गया होगा चलो कोई नहीं अब हो गया तो भी पढ़ लो आज ठीक है देखिए सारे बच्चे क्वेश्चन देखेंगे A क्या जानने के लिए क्या कोई ऐसा मेथड उनके पास था कोई ऐसा मतलब गैजेट था जिससे कि एयर पोल्यूशन के लेवल्स को स्कूल्स में जो है उसको मेजर कर पाए तो आप ध्यान से देखोगे लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना अनसर्टेंटी है ठीक है तो जब भी हमें कुछ मतलब पता ना हो हम गेस कर रहे हो अज्यूम कर रहे हो सपोज कर रहे हो हम कुछ जानना चाह रहे हैं हम जानने आए हैं कि भाई क्या ऐसा है या नहीं है ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग तो आपको दैट नहीं यूज़ करना चाहिए दैट कंजंक्शन ऑफ सर्टेनिटी होता है ये सारे बच्चों को पता हो गया ये बात है टेंस में मैं पढ़ा देता हूँ टेंस के लेक्चर्स में पढ़ा रखा है टेंस का लेक्चर आपने देखा होगा ना तो उसमें सबको ये पढ़ा रखा है ठीक है कि ये जो हमारा दैट होता है ये कंजंक्शन सर्टेनिटी का कंजंक्शन होता है उन स्टेटमेंट्स के साथ में लिया जाता है जिनको लिखे हम सर्टन होते हैं यहां पर ये यह जानने के लिए आए ये सर्टन नहीं है ये जानना चाह रहे हैं ठीक तो यहां पे आप दैट हटाइए या तो इफ लिख दीजिए और नहीं तो मैं कहूंगा वेदर अ साइंटिस्ट हिम टू नो वेदर वेदर नहीं इफ लिखे क्योंकि अनसर्टेनिटी भी नहीं है ये गेस है अजम्पशन है तो इसमें कंजंक्शन की एरर है इसको आप ऐसे लिखिए अ साइंटिस्ट अप्रोच हिम टू नो इफ देयर वर एनी गैजेट्स अवेलेबल इफ का मतलब सपोज चलो एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसी बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन देखें सारे बच्चे दे <coughs> डाउट एक मिनट ही स्ट्रेस्ड डैश ही वॉज इनोसेंट वी सस्पेक्टेड डैश ही वॉज इनोसेंट ठीक ये दोनों ब्लैंक्स एक और फिल करो तो कोई सुटेबल यूज करो जो तुम्हें सही लगे ही स्ट्रेस्ट डैश ही वॉज इनोसेंट वी सस्पेक्टेड ही चलो जल्दी से था अब देखो ही स्ट्रेस उसने स्ट्रेस किया स्ट्रेस का मतलब होता है किसी बात को जोर देकर कहना इंफेसिस के साथ कहना तो जिस बात को भी उसने जोर देकर कहा उस बात को लेकर वो सर्टेन होगा दैट ही स्ट्रेस दैट उसने इस बात को स्ट्रेस किया किस बात को दैट ही वॉज इनोसेंट कि वो इनोसेंट था वी सस्पेक्टेड हमने सस्पेक्ट मतलब हमने संदेह किया ठीक है हमने किस संदेह किया किस बात पर संदेह किया कि वो इनोसेंट था या नहीं था मतलब हमने सस्पेक्ट किया इसका मतलब हम श्योर नहीं है हम डाउट कर रहे हैं बट हम भी श्योर नहीं कि ऐसा है या नहीं है ठीक है वेदर ही वॉज इनोसेंट ठीक है

अच्छा क्वेश्चन है सारे बच्चे आंसर बताएंगे एक मिनट बच्चा राइट्स टू सिटीजन एंड लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए थोड़ा सा लेटेंसी वाला मसला है ठीक है Rights to टू सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर down डाउन इन constitution. <laughs> 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 नहीं किसी को समझ में आया चलो कोई बात नहीं नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं नहीं समझ में आया? बेटा नहीं लेन नहीं आएगा लेन तो वर्ब होती है लेन इन ट्रांसटिव वर्ब होती है पैसे वो इसमें नहीं आ सकते आर लेड तो हो सकता आर लेन नहीं हो सकता क्या बेबकूफी दे रहे हो तुम लोग? अरे 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 कहा चल दिए जाना था जापान पहुंच गए नहीं लिख सकते बेटा क्या तुमने फ्रेजल नहीं पढ़ी ले डाउन ले डाउन फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ी क्या लेडाउन hmm? फ्रेजल वर्ब होती ना इसका मतलब होता है टू एनेक्ट रूल कोई रूल नियम कानून बना देना या कोई टैक्स वगैरह लगा देना तो जो ले वर, ले डाउन वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब होती है इसी का पैसे फॉर्म लिख रखा है डाउन तो वो सही लिखा हुआ उसको लेन क्यों लिख रहे हो देखो मैं बताता हूं होता है केस में. देखो हैव राइट डैश Education. We worked for the rights dash स्टूडेंट्स ये दोनों ब्लैंक एक बार फिल करें सारे बच्चे जल्दी से देखो अभी अपने आप समझ में आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा बच्चे ये दो क्वेश्चन सही कर दो मतलब सही नहीं करने इनमें ब्लैंक्स फिल कर दो एजुकेशन एंड वी वर्क फॉर द राइट स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है इससे बहुत सी चीजें तुम्हें सीखने समझने जानने को मिलेंगी ठीक है अब जैसे हमने लिखा राइट डिट एजुकेशन तो राइट right नाउन जो होता है आपने पढ़ा होगा इसके साथ में प्रिपरेशन टू यूज करते हैं जैसे हमें अधिकार है किसी चीज को करने का तो अधिकार से हम क्या अवेल करते हैं मान लीजिए हमें राइट है तो राइट से हम क्या अटेन करते हैं हम क्या अचीव करते हैं यह बताने के लिए हम प्रिपोरेशन लिखते हैं टू राइट टू तो एजुकेशन राइट टू तो इंफॉर्मेशन आर एक्ट नहीं है ठीक तो हम इसके साथ में प्रिपोरेशन लिखते हैं टू लेकिन अगर हमें ये बताना हो कि वो राइट किसको मिला हुआ है हु होल्ड दैट राइट ठीक है तो हम प्रिपरेशन लिखते हैं ऑफ राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का अधिकार ठीक है अब हिंदी में बोलोगे तो सेम सा लगेगा शिक्षा का अधिकार स्टूडेंट्स का अधिकार बट कॉन्टेक्ट समझोगे तो डिफरेंस समझ में आएगा स्टूडेंट्स होल्ड द राइट दे होल्ड दैट राइट ये अधिकार इनको है स्टूडेंट्स को एजुकेशन डज नॉट होल्ड राइट बट राइट प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू एजुकेशन ठीक है तो राइट right नाउन के साथ में हम टू और ऑफ ये दो कॉमन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको समझाई है इन डिफरेंसेस को ये कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं इनको हमें समझना पड़ता है सेंटेंस पढ़ के हम समझते हैं जब हमें समझ में आ जाता भाई क्या कॉन्टेक्ट्स है फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपोजिशन यूज़ कर लेते हैं तो हमें समझना ये कि जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि प्रपोजिशंस वगैरह पढ़ते समय हमेशा हमें कॉन्टेक्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए सेंटेंस पढ़ो सेंटेंस को पढ़कर उसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है फिर आंसर करो ठीक अब वहां जाओ राइट्स टू सिटीजन्स एंड लिमिट्स तो सिटीजन्स जो है ना राइट्स राइट uh, uh, right के साथ में हम टू प्रिपरेशन तब लिखते हैं जब हमें बताना हो कि हमें जो अधिकार मिला उससे हम पाएंगे क्या ठीक है तो जैसे हमें अधिकार मिला तो उससे हमें एजुकेशन मिलेगी तो एजुकेशन इज गाइड ऑफ अचीवमेंट दैट वी कैन अचीव समथिंग दैट वी कैन अचीव ठीक है विद द हेल्प ऑफ द राइट वहां पे देखो जो सिटीजन्स है ना वो अचीवमेंट नहीं है ठीक है सिटीजन्स होल्ड द राइट ठीक है

और लिमिट ऑफ दोनों सही होते हैं लिमिट का मतलब अगर रिस्ट्रिक्शन हो मान लीजिए हमने किसी चीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन सेट कर दिया तो वो लिमिट हमने किस चीज के ऊपर लगाई है तो हम प्रिपोरेशन यूज करेंगे ऑन द लिमिट ऑन स्पीच द लिमिट ऑन एक्सपेंसेस ठीक है द लिमिट ऑन फंड्स तो किसी चीज के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया तो हम उसके लिए प्रिपोरेशन यूज करते हैं ऑन अगर लिमिट का मतलब हो रेंज अगर लिमिट का मतलब रेंज तो हम लिमिट के अंदर में यूज करते हैं ऑफ द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ठीक है द लिमिट ऑफ मतलब तो हम इनके साथ में दोनों यूज कर सकते हैं लिमिट के साथ में ऑफ यूज कर सकते हैं ऑन भी यूज कर सकते हैं है, वो भी हमें कॉन्टेक्ट से ही समझना पड़ता है कि लिमिट का मतलब क्या लिमिट का मतलब रेंज अगर लिमिट का मतलब रेंज है तो आप प्रिपोरेशन लिखोगे ऑफ ठीक अगर लिमिट का मतलब रिस्ट्रिक्शन है ठीक है चेक है तो इसके अंदर में यूज़ करेंगे ऑन तो ये जो हमने लिखा है ना लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो शक्तियाँ हैं उनके ऊपर लिमिट्स लगाई हैं मतलब अनलिमिटेड पावर्स नहीं है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं उनके ऊपर लिमिट्स लगा रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ठीक है तो वो जो हमने ऑन लिखा ना बच्चे वो सही है उसे ऑफ मत कर देना अगले पे आ जाओ